नमस्कार, मेरा नाम विवेक शुक्ला है और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। घने कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। दिल्ली से आने वाली सभी प्रमुख ट्रेनें मंगलवार को देरी से आई। हिसार से आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस सुबह की जगह रात में करीब 10 घंटे 45 मिनट और वैशाली एक्सप्रेस शाम को 7 घंटे 42 मिनट की देरी से पहुंची। ट्रेनों के देर से आने के चलते स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जुट गई। पूछताछ केंद्रों पर भी यात्रियों की भीड़ लगी रही। लोग ट्रेन के आने के बारे में जानकारी हासिल करते रहे। उधर ट्रेनों के इंतजार में बहुत सारे लोग परिसर में ही बैठे रह गए। घने कोहरे के कारण बस स्टेशन से बस का संचालन भी नहीं हो सका, तो यात्रियों के रुकने के साथ ही उनके खान पान सहित अन्य तरह की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रोडवेज प्रशासन ने व्यवस्था की। बढ़ते ठंड और कोहरे के कारण हो रही मार्ग दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए कोहरे में बस का संचालन नहीं किए जाने का निर्णय परिवहन निगम मुख्यालय ने लिया है। वहीं अगर रास्ते में कहीं कोहरा रहा तो वहां चालक आसपास के ढाबे पर बस को खड़ी करके कोहरे के छटने का इंतजार करेगा। कोहरा छटने के बाद ही बस को आगे बढ़ाया जा सकेगा। वहीं बात करें हवाई जहाज की, तो हैदराबाद से गोरखपुर आने वाली फ्लाइट मंगलवार को 1.25 घंटे देरी से पहुंची। इसकी वजह से यहां से वापस हैदराबाद जाने वाली उड़ान भी प्रभावित हुई। यही नहीं, इस उड़ान में देरी होने की वजह से दोपहर बाद दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, लखनऊ और कोलकाता की उड़ान भी 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक प्रभावित रही। वहीं शाम के समय खराब मौसम की वजह से गोरखपुर से लखनऊ के लिए शाम 6 बजे उड़ान भरने वाली एयरलाइंस एयर का विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड भी नहीं कर सका। विमान को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। मंजिल तक पहुंचकर भी लैंड नहीं कर पाने से विमान में सवार सभी 20 यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।